नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा में 7 दिसंबर को हो रहे मतदान में 9,92,638 मतदाता 68 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले के पांचों विधानसभा के लिए 1,284 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी 14,000 पुलिस बल के जिम्मे में है। दूसरे चरण में पश्चिमी सिंहभूम जिले में होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त अरवा राजकमल ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं पुलिस अधीक्षक मतदान कर्मी के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में जुटे हुए हैं। चाईबासा विधानसभा में 2,06,857 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें महिला मतदाता की संख्या पुरुष मतदाता से अधिक है। चाईबासा विधानसभा में 1,02,031 मतदाता और 1,04,820 महिला मतदाता है। चाईबासा विधानसभा में 284 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 7 दिसंबर को ईवीएम में बंद हो जाएगा। जिले के मचगांव विधानसभा क्षेत्र में 1,92,661 मतदाता चुनाव मैदान में डटे 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 7 दिसंबर को ईवीएम में बंद करेंगे। मचगांव विधानसभा में 94,085 पुरुष और 98,575 महिला मतदाता है। मचगांव विधानसभा में 267 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,74,337 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 87,418 और महिला मतदाता 86,919 है। जगन्नाथपुर विधानसभा में 233 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस विधानसभा में 13 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,97,337 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 98,482 और महिला मतदाता 98,855 है। मनोहरपुर विधानसभा में 264 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के 1,97,337 मतदाता 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,81,446 मतदाता चुनाव मैदान में डटे 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चक्रधरपुर विधानसभा में 90,680 पुरुष और 90,763 महिला मतदाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांचों विधानसभा में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। पांचों विधानसभा में जगन्नाथपुर विधानसभा में पुरुष मतदाता की संख्या महिला मतदाता से ज्यादा है। जिले के पांचों विधानसभा में पुरुष मतदाता 4,72,696 और महिला मतदाता 4,79,932 है। पूरे जिले में पुरुष मतदाता की तुलना में महिला मतदाता की संख्या 7,236 ज्यादा है। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा 14,000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पांचों विधानसभा में कुल 1,284 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि जिले में 1,344 मतदान केंद्र हैं। जिले के 60 मतदान केंद्र खुटपानी प्रखंड में है, जो सरायकेला खरसवा जिले के खरसवा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। जिले में 321 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की व्यवस्था की गई है। जिले के पांचों विधानसभा के 1,284 मतदान केंद्रों को 152 क्लस्टर और 217 सेक्टर में बांटा गया है। चाईबासा विधानसभा के 354 मतदान केंद्रों को आदर्श टोकन मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां मतदाताओं को बैठने के लिए कुर्सी और वोटिंग के लिए टोकन देने की व्यवस्था की गई है। चाईबासा विधानसभा के सभी 284 मतदान केंद्रों पर बूथ ऐप का प्रयोग किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से रियल टाइम डाटा एनालिसिस संभव होगा। जिले में 252 अति संवेदनशील मतदान भवन, 380 संवेदनशील मतदान भवन और
328 सामान्य मतदान भवन के रूप में चिन्हित किया गया है। अति संवेदनशील भवन में 416, संवेदनशील भवन में 28 और सामान्य भवन में 14 पुलिस बल तैनात रहेंगे। शहरी क्षेत्र में 102 मतदान केंद्र और ग्रामीण क्षेत्र में 1182 मतदान केंद्र है। दूसरे चरण के मतदान के लिए जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र और क्लस्टर तक पहुंचा दिया गया है। सुदूरवर्ती 733 मतदान केंद्रों में कर्मियों को गुरुवार को ही रवाना कर दिया गया था। बाकी के 551 बूथों के मतदान कर्मियों को आज रवाना किया गया। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा की देखरेख में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। उपायुक्त और एसपी ने सामान्य प्रेक्षक के साथ ईवीएम डिस्पैच सेंटर, मटेरियल डिस्पैच सेंटर और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। जिम्मेदार पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सेवा स्तंभ किरीबुरु मेघाहातुबुरु की ओर से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 63वां निर्वाण दिवस मनाया गया। अंबेडकर चौक के पास आयोजित कार्यक्रम में सेल की दोनों खदानों किरीबुरु के महाप्रबंधक डीके बर्मन, मेघाहातुबुरु के महाप्रबंधक चंचल मुखोपाध्याय, नवीन सोनखुसरे, एसके आर्या और गणमान्य लोगों द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चुनाव आचार संहिता के कारण किसी तरह की सभा का आयोजन नहीं किया गया। इस मौके पर किरीबुरु पश्चिमी पंचायत की मुखिया पार्वती कीड़ो और पूर्व प्रमुख जीरेन सिंको ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। जगन्नाथपुर थाना के देवगांव के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर पड़ा। इस घटना में दो भाइयों सुरन बबुंगा और गुरा बबुंगा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सोमा बबुंगा नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर के चालक विपिन तिरिया को गिरफ्तार कर लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।